हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड मैथ की क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग सीखेंगे हाउ मेनी। चैप्टर है 13 चैप्टर। आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या लिखा है हेडिंग पे, राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स। आपको स्टिक्स का जितना सारे स्टिक्स है आपको काउंट करना पड़ेगा और बॉक्स में आपको नंबर लिखना पड़ेगा स्टिक्स का नंबर। तो नंबर वन देखो कितना स्टिक्स है इसमें। आप स्टिक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। कितना स्टिक्स हुआ, 6। तो आप बॉक्स में क्या लिखोगे, 6। ओके, नेक्स्ट आप स्टिक्स काउंट करो, कितना स्टिक्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बॉक्स में आप क्या लिखोगे, 8। ठीक है, नेक्स्ट नंबर इसमें कितना सारे स्टिक्स है आपको काउंट करना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 और ये जो बंडल है इसमें है 10, तो कितना हुआ, 2 0 20। नेक्स्ट नंबर अब काउंट करना पड़ेगा, ये 10 स्टिक्स 10 है और इसमें कितना है, 1 2 3। तो क्या हुआ, 2 मतलब 10 T मतलब 10 O मतलब 1। तो 1 3 13 हुआ, 1 10s और 3 1s। ओके, नेक्स्ट नंबर इसमें 10 स्टिक्स है और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 मतलब 1 10s 5 1s 1 5 15। नेक्स्ट नंबर भी आपको काउंट करना पड़ेगा, एक बंडल है मतलब 10, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 थाले मतलब 1 7 17, 1 10s 7 1s। नेक्स्ट 1 10s मतलब 10 स्टिक्स, एक बंडल में 10 स्टिक्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 10s 6 1s, 1 6 16। अभी नेक्स्ट पेज भी सेम टू सेम है, इसमें बीट्स दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है हेडिंग पे, हाउ मेनी बीट्स, कितना बीट्स है आपको काउंट करके बॉक्स में लिखना पड़ेगा। तो देखो जैसे हम लोगों ने अभी सीखा, इसमें हर एक हर में 10 10 करके बीट्स है, मतलब कितना हुआ, 30 30 मतलब 3 10s, कितना 1 से 1 2 2 1 3 2 32। ओके, इसमें कितना 10s है, 1 2 3 3 10s, कितना 1s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1s, कितना हुआ, 3 9 39। नेक्स्ट नंबर भी ऐसे है, कितना 10s है आपको काउंट कर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 10s 4, कितना 1s 1 2 3 3 1s 4 3 43। नेक्स्ट नंबर भी आपको ऐसे करके करना है, कितना 1 10s है इसमें, 1 2 3 4 4 10s, कितना 1s 1 2 3 4 5 5 1s 4 5 45। लास्ट नंबर 1 2 3 4 5 10s और इसमें 1s नहीं है तो क्या आएगा, 0 5 0 50। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है एक टेंस पे कितना बीट्स आएगा, 10 बीट्स आएगा। ठीक है, 10 बीट्स लेकर एक टेंस बनता है, ये आपको याद रखना है। जैसे देखो ये जो मोती का हार है सब में 10 10 है, मतलब 1 10 20 30 30 मतलब कितना टेंस होगा, 3 टेंस और छुट्टा कितना है, 1 2।
21 आपको याद रखना है। इसका पहले भी आपको वीडियो में बोला था, 10 लेकर एक टेंस बनता है, ओके, ये आपको याद रखना है। चलो अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मच विल द बनानास कॉस्ट। तो आपको बनानास कॉस्ट, एक बनाना का कॉस्ट दिया गया है और 3 बनाना का कॉस्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक बनाना अगर 1 रुपीस है तो 3 बनाना कितना रुपीस का होगा, आपको पॉइंट से दिखाना पड़ेगा, ओके। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप 2 रुपीस का एक कॉइन ले लिया और 1 रुपीस का एक कॉइन ले लिया, हो गया 3 रुपीस। एक बनाना अगर 1 रुपीस है तो 3 बनाना कितना होगा, 1+1+1 भी आप लिख सकते हो, 1 1 1 करके 3 कॉइन भी ले सकते हो, नहीं तो आप 2 रुपीस का एक कॉइन ले लिया और एक 1 रुपीस का एक कॉइन ले लिया, हो गया आपका 3 रुपीस, ओके। अभी नेक्स्ट पेज देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है, एक गर्ल एक नंबर लिख के बैठा है, ठीक है। तो हेडिंग पे क्या लिखा है, गिव नंबर नेम। तो आपको ये जो नंबर आप देख पा रहे हो 15 नंबर, इसका स्पेलिंग करके आपको बॉक्स में लिखना है। तो 15 का स्पेलिंग क्या आएगा, FIFT EN, ओके। अभी नेक्स्ट नंबर, हाउ मेनी टेंस, 24 है, 24 में टेंस कितना बनेगा, 24 में कितना टेंस बनेगा, 2 टेंस, ठीक है। तो बॉक्स में आप क्या लिखोगे, 2 TENS, ओके, 2 टेंस, 2 TENS, आप क्या लिखोगे बॉक्स में, 2 टेंस। नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हिच इज द बिगर नंबर। तो बिगर नंबर इसमें क्या है, 13 है और 26 है, बिगर नंबर क्या आएगा, 26। तो आप क्या लिखोगे, 26, आप बॉक्स में लिखोगे स्टूडेंट्स, 2626, आप बॉक्स में लिखोगे 2626। अभी नेक्स्ट पेज में देखो, कुछ बहुत सारे गोट्स है ना, तो आप पहले काउंट करो कितना सारे गोट है, 1 2 3 4 5, देखो 5 गोट में से 2 गोट चले गए, ठीक है, और कितना गोट्स है, 1 2 3, 5 गोट में से 2 गोट अगर चले गए तो कितना गोट पड़ा रहेगा, 3 गोट। इसलिए आप पिक्चर देखो, पहले 5 गोट था, उसमें से अब 2 गोट चले गए, फिर कितना गोट है, 1 2 3, आपको ये वाला बॉक्स ऐसा करके पूरा करना है। नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर क्या लिखा है, नेक्स्ट पिक्चर देखकर आपको क्या करना पड़ेगा, आप पिक्चर्स देख के आपको स्टोरी बनाना पड़ेगा और क्लास में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पिक्चर में क्या लिखा है, दिया है पिक्चर में क्या है, एक बॉय है और वो टोकरी बना रहा है, तो बॉय का नाम क्या है, बिल्लू। तो मैं क्या लिखा, मेक सम बास्केट फॉर सेलिंग इन द मार्केट, मतलब बिल्लू मेक सम बास्केट फॉर सेलिंग इन द मार्केट। बिल्लू ने टोकरी बना रहा है मार्केट में बेचने के लिए, ओके। और नीचे का लाइन पे क्या लिखा है, 1 basket is 200 rupees, एक बास्केट का भाव है 200 rupees, ओके। 1 basket is 200 rupees, और मतलब एक बास्केट का प्राइस है 200 rupees, ओके। आप ये भी लिख सकते हो, चाहो तो आप स्टोरी को और भी बढ़ा सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने आज क्या, 10 1 सीखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉस्ट सीखा। तो आपको याद है ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप काउंट करोगे और बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, सब काउंट करोगे और साइड में जो बॉक्स है उसमें आप लिखोगे, ओके। ऐसा करके आपको पूरा करना है, इसमें 10 1s करके आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट पेज में बीट्स दिया गया है, आपको बीट्स काउंट करना पड़ेगा।
मतलब वांट्स और टेंस, ये भी इसमें भी वांट टेंस आपको लिखना पड़ेगा बॉक्स में, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, हाउ मच विल बी बनाना कॉस्ट, बनाना कॉस्ट दिया गया है, एक बनाना हम लोगों ने सीखा, तीन बनाना का कॉस्ट कितना आएगा, ओके, ये भी आपको बुक्स में कटना है। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, गिफ्ट नंबर नेम, आपको नंबर नेम लिखना पड़ेगा स्पेलिंग करके, मैंने बता दिया आपको, मैं बता दिया आपको। फिर उसके बाद हाउ मेनी टेंस, इतने 24 में कितना टेंस आएगा, 210 आपको लिखना पड़ेगा, वंस नहीं लिखना है, सिर्फ आपको टेंस ही लिखना है क्योंकि टेंस ही मांगा गया है हेडिंग पे, ठीक है। वही चीज़ का बिगर नंबर, आपको बिगर नंबर लिखना पड़ेगा, 26 आएगा इस। फिर उसके बाद ये पिक्चर दिया गया है गोट का, ये पिक्चर आपको ध्यान रखना है, 5 गोट था उसमें से 3-2 चला गया, फिर कितना गोट पड़ा रहेगा, 3 गोट पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये स्टोरी सीखा, एक छोटा बच्चा एक टोकरी बना रहा है मार्केट में बेचने के लिए, और एक टोकरी का प्राइस रहेगा 200 रुपीज़, ओके, ये आपको बुक्स में लिखना है, ओके, और ये साथ साथ आपको याद भी रखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स है आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से कंप्लीट करके, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है आप टेक्स्ट बुक अच्छे से कंप्लीट करके रखोगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।